स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 48 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 9th क्लास की है, ठीक है। 23 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर टिशू, और उसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू यानी कि जाइलम को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जिज्ञासा दीदी से क्या पूछ रहा है आज ये ज्ञान? जिज्ञासा दीदी, वी हैव स्टडीड सिंपल परमानेंट टिशू, व्हाट आर दी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू। तो हमने अभी तक बेटा क्या बोल रहा है वो कि हमने अभी तक सिंपल परमानेंट टिशू को पढ़ लिया है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू क्या है वो बताइए, ठीक है, और इसके क्या कार्य हैं। तो क्या बताती है जिज्ञासा? ज्ञान, एज वी नो डैट दी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू होते बेटा वो किसके बने होते हैं? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और सिंपल वाले सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने थे। ऑल दीज सेल्स वर्क एज ए सिंगल यूनिट, और ये सारे मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह कार्य करते हैं, एंड कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन दी प्लांट, और एक साथ मिलकर एक तरीके से कोऑर्डिनेट करके एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं प्लांट्स के अंदर। एंड ये कौन कौन से होते हैं? दीज आर ऑफ टू टाइप के होते हैं, जाइलम टिशू और फ्लोएम टिशू। ये आपको दिखाए भी गई हैं बेटा, देखो ये दोनों एक साथ रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये वाले जो हैं पिंक कलर के दिख रहे हैं आपको इधर वाले, ये क्या है? जाइलम। और ये वाला जो है ये क्या है? फ्लोएम है, ठीक है। अब ये क्या करते कैसे हैं बेटा? दीज टिशू आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड फ्रॉम द वन पार्ट टू द अदर पार्ट इन द प्लांट। तो ये टिशू क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वाटर का, मिनरल्स का, फूड का, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। देयरफॉर दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिव टिशू एंड वेस्कुलर टिशू। और इसीलिए क्या कहलाते बेटा? ये कंडक्टिव टिशू और वेस्कुलर टिशू कहलाते, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जल को, खनिज लवणों को और भोजन को पहुंचाने का कार्य करते हैं। जनरली दीज टिश्यूज आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब बेटा ये क्या होते हैं, देख भी रहे हो आप, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज में मतलब कि लोकेटेड होते हैं, ठीक है। इसीलिए फिर इनको हम क्या बोल देते हैं? ईच अदर इन दी प्लांट एंड फॉर्म ए बंडल नोन एज वस्कुलर बंडल। तो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? वस्कुलर बंडल बोल देते हैं, कि एक साथ इस तरीके से अटैच होते हैं कि एक बंडल की तरह लगते हैं। कंडक्टिव टिशू इज ए डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, ठीक है। तो बेटा जो ये होते हैं कंडक्टिव टिशूज़, ये क्या होते हैं? एक यूनिक फीचर होते हैं किसका? कॉम्प्लेक्स प्लांट का, यानी कि जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं बेटा उनके अंदर इनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन से इतनी ऊंचाई तक इनके लिए भोजन, खनिज लवण, जल लेकर जाना और ऊंचाई से नीचे भोजन लेकर आना जड़ों तक बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये नहीं होंगे तो, ठीक है। इसलिए बेटा क्या होता है, इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कंडक्टिव टिश्यूज़ का। अब बेटा हम जाइलम को पढ़ेंगे डिटेल में। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? जाइलम इज़ ऑफ वुडी पार्ट ऑफ दी प्लांट। तो ये जो लकड़ी वाला पार्ट होता है बेटा पेड़ का, देखो ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला कहलाता है जाइलम, ठीक है। लकड़ी वाला पार्ट जो होता है इसके अंदर, ठीक है, वो होता है क्या नाम है, जाइलम। इट कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल। और जाइलम किससे बना होता है बेटा? चार तरीके के सेल्स होते हैं, हमने अभी कहा था कि ये इसमें कई प्रकार के सेल्स होते हैं, तो इसमें चार तरीके के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? जाइलम ट्रैकिड्स और वेसल्स, और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। तो ट्रैकिड, वेसल, पैरेन्काइमा और फाइबर होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा अदर जाइलम सेल्स बिकम डेड एज दे गेट मैच्योर। तो बेटा जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो हमेशा क्या रहती है? जीवित रहती है, लिविंग सेल होता है ये, ठीक है। अब जो सेल ऑफ द ट्रैकिड क्या करते हैं बेटा? सेल्स ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैव थिक सेल वॉल। जो सेल्स होते हैं ट्रैकिड्स के बेटा और किसके? वेसल्स के, ये क्या करते हैं? ये थिक होते हैं, मोटे होते हैं। बोथ ऑफ दीज फॉर्म ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्शन, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें से क्या होता है, कोई भी भोजन नीचे आ पाता है या खनिज लवण और जल ऊपर जा पाता है, ठीक है, इन वाहिकाओं में से जो आपको यहाँ पर दिखाई भी गई हैं। ये ट्रैकिड्स दिखाई गई हैं बेटा, ये वेसल तो एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर बना रहे, ट्यूब की तरह, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या है बेटा इनके? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ऑफ द जाइलम टिशू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स वर्टिकली फ्रॉम द रूट्स टू द अदर प्लांट ऑफ द स्टेम। क्या बोला है बेटा? जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होती हैं जाइलम टिशू की, ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर को, मिनरल्स को वर्टिकली फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द स्टेम, मतलब कि जड़ों से जल को और खनिज लवणों को दूसरे प्लांट्स के
अदर पार्ट्स तक लेकर जाती है यहाँ से, ठीक है, अलग अलग। अब जाइलम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, दे प्रोवाइड स्टर्डीनेस टू द प्लांट। अब बेटा जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। ये भी एक प्रकार का टिश्यू होता है जो क्या करता है बेटा, स्टिफनेस, एक मतलब कि मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो स्टर्डीनेस उसी को कहते हैं जो मजबूती प्रदान करता है। तो ये जो रेशे होते हैं इसको क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। फिर जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो स्टोर करता है फूड को और हेल्प करता है इन लेटरल ट्रांसपोर्टेशन। जो जाइलम पेरेन्काइमा है वो फूड को स्टोर करने का कार्य करता है और हेल्प करता है लेटरल ट्रांसपोर्ट, यानी कि साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, मतलब कि इस तरीके से इधर या इधर इस तरीके से पहुँचाने का कार्य करता है पेरेन्काइमा। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वे कर लेते हैं बेटा। व्हाट आर दी कॉम्प्लेक्स टिश्यू नेम देम, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से थे बेटा, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ऑल दीज सेल वर्क एज ए सिंगल यूनिट टू कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन दी प्लांट्स, ठीक है। एंड दीज आर ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, यहाँ तक लिख दोगे। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, क्या पूछा गया है, व्हाट आर दी वस्कुलर टिश्यू एंड वस्कुलर बंडल, तो वस्कुलर टिश्यू और वस्कुलर बंडल क्या होते हैं बेटा, आप ये लिखोगे जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू, दीज हटा देना, दीज टिश्यू हटा के लिखोगे जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट इन द प्लांट, देयरफॉर दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, एंड ऑल्सो हटा देना यहाँ से, दीज आर कॉल्ड कंडक्टिव टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। अब पूछा गया वस्कुलर बंडल क्या होते हैं, जनरली दीज टिश्यू आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन दी प्लांट, मतलब कि ये एक दूसरे के बिल्कुल आसपास लोकेटेड होते हैं, तो ये बंडल का निर्माण करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल। ये आप सारा लिख दोगे, बस यहाँ पे दीज टिश्यू को काटना है और बीच में से ऑल्सो को काटना है, बाकी आपको ये सारा लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेम दी कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द जाइलम टिश्यू एंड ऑल्सो राइट देयर फंक्शन। तो बेटा देखो हमने अभी पढ़ा जो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल, जाइलम ट्रैकेट्स, वेसल्स, पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। अब इनके कार्य यहाँ से लिखोगे, फंक्शन ये सारे पॉइंट्स लिख दोगे, ओके, कि वेसल्स और ट्रैकेट्स क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है वाटर मिनरल का, फाइबर क्या करते हैं इसको स्टर्डीनेस प्रोवाइड कराते हैं, पेरेन्काइमा क्या करते हैं भोजन को स्टोर करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब बेटा विच कॉम्पोनेंट ऑफ द जाइलम रिमेन अलाइव इवन ऑन मैच्योरिटी, तो हमने एक पढ़ा था बेटा, तो आप कौन सा नाम लिखोगे, जाइलम पेरेन्काइमा, इसके अलावा सभी क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।